तुम अपने चुनाव रथ में सवार हो चुके हैं, साथ में हैं नीरज शेखर जी। आप 4 बार सांसद रहे, राज्यसभा भी रहे, लोकसभा भी रहे, अब की बार बीजेपी के उम्मीदवार हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, तो कौन कौन से काम गिना रहे हैं? क्योंकि बलिया से आपका पुराना कनेक्ट रहा है, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी यहाँ से रहे, लेकिन जब तक वो राजनीति में थे आप राजनीति में नहीं आए, क्यों? नहीं, वो हमेशा इस बात का हम लोग से कहते थे कि जब तक मैं जीवित हूँ आप लोग राजनीति पे नहीं आ सकते। तो मैं जब उनके अंतिम दिन में बीमार थे तब भी मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा नहीं, अब मेरे जाने के बाद ही। और मैं उनके जाने के बाद आया, यहाँ के लोगों ने मुझे स्वीकार किया, अपना आशीर्वाद दिया, 2007 का उपचुनाव जीता, फिर 2009 में भी जीता, 2 बार लोकसभा का रहा, उसके बाद राज्यसभा रहा हूँ। तो यहाँ के लोगों का स्नेह है, आशीर्वाद है, पिताजी को 8 बार बनाया, उसके पहले वो भी राज्यसभा के भी सांसद है, 11 बार सांसद रहे वो, तो यही चल रहा है, यहाँ के लोगों का स्नेह है। चंद्रशेखर जी के नाम का फायदा है या दबाव ज्यादा है कि प्रधानमंत्री के बेटे हैं, उम्मीदें ज्यादा हैं लोगों की? उम्मीदें तो ज्यादा ही हैं, लेकिन फायदा ही होता है, एक 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 ऐसे व्यक्ति का पुत्र होना का गर्व भी होता है और एहसास भी होता है कि और करना चाहिए समाज के लिए। हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि लोगों के लिए काम कर सके, विशेषकर बलिया गाजीपुर के लोगों के लिए जो भी काम हो सके, जो भी विकास के काम हो सके, उनकी जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं उनसे कैसे, उनको कैसे दूर किया जाए, तो उसमें फायदा तो जरूर मिलता है। कहा जाता है नीरज शेखर जी काम नहीं गिनवाते, शुरू किया आपने काम गिनवाना? कभी कभी गिनवाना पड़ता, अभी शुरू किया है। मैं इसलिए नहीं गिनवाता क्योंकि अपने पिता से ही सीखा है, वो कभी भी अपना जो बोर्ड लगता है वो नहीं लगवाते थे, लेकिन हम लोग अब धीरे धीरे, क्योंकि विपक्ष वाले पूछते हैं कि नीरज शेखर ने क्या किया, मैंने कहा नीरज शेखर ने जितना काम किया किसी ने नहीं काम किया उतना, और अब मैंने बताने लगा हूँ क्योंकि लोगों को पता रहना चाहिए उसके बारे में। जमीन पर उतरे हैं हम तो देख रहे हैं, पूर्वांचल का इलाका है जहाँ अयोध्या था, तो सवाल ये है कि राम मंदिर का जमीन पर कितना असर है? बहुत सारे लोग जो दिल्ली में बैठ के देख रहे हैं वो समझना चाह रहे हैं कि राम मंदिर का कितना असर है। नहीं, राम मंदिर का असर से पता नहीं मुझे क्या है, लेकिन लोगों की आस्था जुड़ी हुई है भगवान राम से, वो लोग इतने खुश हैं राम मंदिर बनने के बाद। आप किसी भी गांव के किसी व्यक्ति से पूछें जो किसी भी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी का हो, वो कहता है कि राम मंदिर बनना चाहिए था, हर लोग कहते हैं, और अलग अलग पार्टी के लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर ही बनना, राम मंदिर बनना चाहिए, तो इसलिए लोगों की आस्था उसमें है और सब चाहते हैं जाके दर्शन करें, बस कुछ विपक्ष के नेता हैं जो नहीं जाना चाहते, वो राम मंदिर पे फिर से ताला लगवाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करेगी इस देश की जनता। सचमुच इस बात की संभावना है कि राम मंदिर पे ताला लग जाए? अब ऐसा लगता है जैसी उनकी वक्तव्य हैं, जैसी बातें हैं, और आज तक आप मान लेते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब बुलाया था आप, और वहाँ की सब बोर्ड ने बुलाया था, आप नहीं गए, मान सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको समय नहीं मिला, इन 4-5 महीनों में आपको समय नहीं मिला कि एक बार चले जाएं कि मैं आ गया दर्शन कर लिए भगवान, और जो जा रहे हैं उनको आप पार्टी से निकाल रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों से तो और क्या आप सोचते हैं कि वो क्या करेंगे? आपके सामने विपक्ष में सनातन पांडे हैं, कहा जाता है कि ब्राह्मण समाज यहाँ बड़ी संख्या में है, वो कितनी बड़ी चुनौती देंगे? क्योंकि पिछला चुनाव अगर देखेंगे तो एक नज़दीकी चुनाव कहा जाए। ब्राह्मण समाज की जहाँ तक बात है वो देशभक्त समाज है, देश के बारे में सोचता है, देश के हित के बारे में सोचता है, समाज के हित के बारे में सोचता है, और उन्हें पता है कि इस देश को कौन सा व्यक्ति विकास के मार्ग पे ले गया है। कल एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि एक समाजवादी पार्टी के नेता है नारद राय, वो नाराज हो गए, उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मुलाकात की, कहने में आ रहा है कि अमित शाह से मिले, क्या वो बीजेपी में शामिल होंगे? आप क्या कहेंगे? ये तो नेतृत्व तय करेगा, मिले हैं मुझे भी पता चला है, और मैं कह रहा हूँ देर की उन्होंने, मुझे पता था वहाँ उनका सम्मान नहीं हो रहा है, जो उनके साथ हुआ है पिछले कुछ दिनों में वही बताएंगे अगर आप उनसे पूछेंगे, लेकिन मैं जानता हूँ नेताजी के बाद उस पार्टी में लोगों का सम्मान नहीं है। नीरज शेखर को टिकट कैसे मिला? आप तो राज्यसभा सांसद हैं, मौजूदा सांसद हैं, तो क्या आपने प्रधानमंत्री से बात की थी, किन परिस्थितियों में आपको टिकट मिला? नहीं, ये मैं खुद नहीं जानता हूँ, मैंने माननीय प्रधानमंत्री से मैंने नहीं, मैं जब आया था मैंने कहा था मैं बलिया में काम करना चाहता हूं, जब मैं ज्वाइन किया था 2019 की बात है, उसके बाद टिकट की कोई बात नहीं हुई इन 5 सालों में। मैंने आग्रह किया था
अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से, गृहमंत्री जी से और पूजनीय महाराज जी से कि मैं एक एक बार कि मैं जब मिला था उनसे और काम से मिलने गया था, मिला था तो उन्होंने कहा था, अब उन लोगों ने कैसे विचार किया, क्या किया, मुझे दिया, मैं तो उनका आभारी हूँ कि मैं फिर से प्रतिनिधित्व कर पाऊँगा बलिया का लोकसभा में और उनकी आवाज़ बन पाऊँगा लोकसभा में। यही है, सहयोग रहा है, देखिएगा। एक सवाल ये कि पूर्वांचल की तस्वीर क्या देख रहे हैं, प्रधानमंत्री यहाँ से सांसद हैं, मुख्यमंत्री यहाँ से विधायक हैं, पूर्वांचल की तस्वीर पिछले 10 साल में कैसे बदली, लोगों को क्या बता रहे हैं? नहीं, आप मैं खुद देख रहा हूँ जो गांव में काम हो रहा है, जो सड़कों का काम हुआ, जो विशेषकर मेरे जो बहुत करीब है वो पानी पे जो काम हो रहा है बलिया में, आर्सेनिक पानी था उसके लिए काम हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इस सरकार की। पिछली बार मार्जिन काफ़ी कम रह गया था, 25,000 का मार्जिन था, तो तनाव है कुछ? नहीं, तनाव नहीं है, समय बदल गया, हमारे और साथी आ गए हैं, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी आ गए हैं और कई लोग आ गए हैं और लोग पिछली बार से और ज़्यादा समझ गए हैं कि कौन व्यक्ति इस देश हित में काम करता है, देश के लिए कौन व्यक्ति काम कर रहा है और देश हित में कौन काम कर रहा है। तो मुझे लगता है वो जो 400 पार का हमारा संकल्प है वो जरूर पूरा होगा।